मंदसौर शहर में पर्यावरण संरक्षण एवं वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता के तहत 55 किलोमीटर साइकिल यात्रा का शुभारंभ नवीन नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, सांसद श्री सुधीर गुप्ता एवं वरिष्ठ विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया। इस अवसर पर मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने स्वयं भी साइकिल यात्रा में सहभागिता कर जन जागरूकता के साथ एनसीसी कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सीईओ आईएएस श्री ऋषभ गुप्ता और एनसीसी अधिकारी कर्नल रैंक श्री सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। विजुअल्स लगाएं, बाइट्स लगाएं, जो टीका लगाने के लिए और कोरोना के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान ने जो आह्वान किया है पूरे देश की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से, उसी के तहत एनसीसी के माध्यम से माननीय कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब यहां पर उपस्थित हैं। जिला पंचायत सीओपी और पूरे अधिकारी और पूरे जो एनसीसी के बच्चे हैं वो उनमें उत्साह है। एक तो ऑक्सीजन का क्या महत्व है, आज ये संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए, उसके लिए पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें, पर्यावरण को बढ़ाएं। एक ये संदेश है और वैक्सीनेशन जो प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है, वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कई जगह जो गलत फहमी नागरिकों में है वो दूर हो और वैक्सीनेशन कराएं, अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने गाँव को, अपने शहर को और अपने देश को सुरक्षित करें। यह संदेश एनसीसी के माध्यम से मंदसौर से नीमच जो करीब 50 से 55 किलोमीटर की यात्रा है, साइकिल यात्रा आज निकाली जा रही है, बड़ा उत्साह यहाँ पर छात्रों में है, अधिकारियों में है और मेरा मानना है यह संदेश पूरे भारत में एक ऐतिहासिक संदेश जाएगा। आप एनर्जी मिनिस्टर भी है, नेचुरल एनर्जी मिनिस्टर और एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, तो क्या भविष्य में आपका मंत्रालय नेचुरल एनर्जी की तरफ लोगों को जागरूक करेगा और दूसरा पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जी, पर्यावरण में अभी करीब मंदसौर जिले में जो हमने अभी कलेक्टर, जिला पंचायत और सब उनके 2 लाख पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे और वो भी जीवित रहें, ये पूरी स्कीम यहाँ पर पूरा प्लान बन चुका है। ये स्कीम पूरे मध्य प्रदेश में लगातार वृक्षारोपण हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा जो अंकुर योजना प्रारंभ की गई है उसमें बड़ा उत्साह है। करीब 68,000 उसमें पंजीयन हुए, 40,000 व्यक्तियों ने उसमें पौधे लगा चुके हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहे इसके लिए अच्छे बेहतरीन कदम सरकार उठा रही है। और एनर्जी में आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाला भारत का जो भविष्य वो रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरण ऊर्जा है, जिसमें हम आगर, नीमच, शाजापुर करीब 1500 मेगावाट अभी हमारा टेंडर निकल चुके हैं और आने वाले दिनों में ये प्लान प्रारंभ होंगे। ऐसे ही फ्लोटिंग जो सिस्टम है वहाँ पर ओंकारेश्वर में सोलर प्लांट डलने वाला है और वो 600 मेगावाट का ऐसा छतरपुर मुरैना, लगातार हम एनर्जी में काम कर रहे हैं और देखने में आएगा कि मध्य प्रदेश लीड करेगा पूरे हिंदुस्तान में एनर्जी के मामले में। ये बैनर, हाँ, पीछे रहने। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंदसौर से देवी दास बैरागी की रिपोर्ट।